वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारे पास काफ़ी दूर से आई हुई है, BR01 नंबर, जो कि अपना पटना का रहने वाला है, वहां से हमारे पास गाड़ी आई है। बाकी लास्ट में कस्टमर से मिलेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में वो हमारे पास कहां से आए हैं। तो पटना से गाड़ी आई है, बेस मॉडल नहीं रहने वाली आज। आज है हमारे पास टॉप मॉडल, जो कि आता है अकम्प्लिश डैजल पैक के नाम से। उस वाले वेरिएंट को हमने कस्टमाइज किया है, और ऐसा नहीं कि टॉप मॉडल है तो इसमें काम नहीं कर सकते। इसमें भी बहुत सारी एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। मतलब कि कहा जाए जो टाटा भूल गया है इस वाली गाड़ी के अंदर देना, वो सारी एक्सेसरीज जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी हैं। गाड़ी का काफ़ी कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अभी लगना बाकी है। जैसे कि अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पंच की जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाने वाली है। बात करें ग्रिल की, तो ग्रिल को यहाँ पे चेंज किया जा चुका है, और अपनी कंपास वाली जो ग्रिल है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुल ब्लैक की थी, तो फुल ब्लैक ही यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे टॉप वेरिएंट वाली अपनी जो हेडलाइट है वो रहने वाली है। कस्टमर ने जो है इसकी लाइटों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं पाया, तो इसलिए इसके अंदर LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। अब इसके अंदर दो बार आते हैं अपने सेक्शन, एक आता है अपना लो बीम का, एक आता है अपना हाई बीम का। दोनों के अंदर जो LED बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ग्लॉसी किट लगा दी गई है। फॉगलाइट इस मॉडल के अंदर आती है, तो फॉगलाइट में कोई काम नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे गार्निशिंग का काम जो है वो किया गया है। साइड से अगर हम बात करें तो साइड से कंपनी इस वाली कार में एलॉय व्हील्स ऑफर करती है, तो यहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पे आप चेक करोगे फेंडर के ऊपर एक गार्निश का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। मिरर के ऊपर ग्लॉसी किट लगाई जा चुकी है। डोर वाइजर पहले के लगे हुए थे कंपनी के, तो इसमें कोई अपडेट नहीं रहने वाला। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपनी यहाँ पे लोअर गार्निश लग चुकी है, हैंडल जो है अपने क्रोम हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये गाड़ी जो है अपने पास आई थी बॉडी कलर के साथ वाइट कलर के अंदर। इसकी जो अपनी रूफ है उसके ऊपर कंप्लीट टेपिंग का काम जो है वो किया जा चुका है। एवरी डेंसन की जो टेपिंग है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और उसके ऊपर अपनी रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ग्लॉसी ब्लैक जो अपनी रूफ रेल है वो यहाँ पे लगाई जा चुकी है, इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। बाकी ग्लॉसी किट आपको दिखाई, लेकिन टेलाइट वाले पार्ट के ऊपर जो है क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। पीछे से आप देखोगे यहाँ रियर के रिफ्लेक्टर्स जो है वो लग चुके हैं। बाकी अपना कैमरा वगैरह का सेटअप जो है वो रहेगा इस वाली कार के अंदर। डायमंड 2K वाला जो स्टीरियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, वो उसका अपना इंस्टॉल जो है वो किया जा चुका है। प्रॉपर वहाँ पे वायरिंग वगैरह काम जो है वो चल रहा है। इस वाली कार के अंदर आपको सिस्टम मिलता है ये हरमन वाला, जो कि 7 इंच का होता है। इसके अंदर भी इंडोटोटेपल कापले आता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि पंच में नहीं आता, और उस कैमरे को जो है इस वाले स्टीरियो के साथ इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टीरियो के अंदर अपडेट जो है वो कर दिया गया है। डायमंड 2K का स्टीरियो जो है वो लग चुका है। बाकी स्पीकर वगैरह आते हैं, स्पीकर में कोई अपडेट नहीं रहने वाला। हरमन के जो स्पीकर हैं वो आते हैं इस वेरिएंट में, तो वही रखे गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ एडिशनल अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अपना एक लाइट का जो अरेंजमेंट है वो रहने वाला है, वो आपको लास्ट में दिखाएंगे जब गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाएगा। जो अपने AC वेंट्स के ब्लोवर आते हैं उसके अंदर भी लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना सीट कवर वगैरह काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सारी सीटें वगैरह निकल चुकी हैं। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। तो इस तरीके के काफ़ी कुछ काम जो है इस वाली कार के अंदर किए जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बजट की बात करें तो करीब करीब 65,000 रुपीज़ के आसपास का जो बजट है इस टॉप वेरिएंट के अंदर रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम कंप्लीट होता है फिर आपको डिटेल में बताते हैं, और हर एक चीज़ के बारे में आपको दिखाएंगे क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किया गया है। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार के लुक्स की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे जो गाड़ी सुबह हमारे पास आई थी उसके मुकाबले काफ़ी कुछ अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कार जो है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट कलर के साथ आई थी, जिसको यहाँ पे डुअल टोन के अंदर कन्वर्ट किया जा चुका है। एवरी डेंसन की जो टेपिंग है वो यहाँ पे यूज़ करी गई है, और कार के कंप्लीट पोर्शन के ऊपर आपको टेपिंग वर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आप चेक करोगे कार के ए पिलर के ऊपर आपको टेपिंग जो है वो देखने को मिलेगी। रूफ के ऊपर वाला पार्ट जो है कंप्लीट टेपिंग के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। रियर वाले पार्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट जो अपनी एवरी डेंसन की टेपिंग है वो इस वाली कार के अंदर की गई है, जो कि लुक में बहुत ही अच्छा लुक जो है वो आपको ऑफर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अगर हम लाइटिंग सेटअप के अंदर अपडेट की, तो काफ़ी कुछ अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करोगे एंड टू एंड कनेक्टेड DRL जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि एक एज से लेकर के अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपना एक एज से लेकर के दूसरे एज तक जाने वाली है, और प्रॉपर सामने से लुक किस तरीके का आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हेडलाइट के अंदर LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। 230 वॉट की LED बल्ब जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है। अभी आप इसका लो बीम देख रहे हैं, इसमें 230 लगाई गई है, और इसके हाई बीम के अंदर भी आपको 230 वॉट की LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार ऑन करता हूँ, इसका रिस्पॉन्स जो है कैसा कुछ आता है वो आपको दिखाते हैं। तो सामने रिस्पॉन्स अभी आप जो है इसके लो बीम का चेक कर रहे हैं किस तरीके का रहने वाला है। जैसे इसकी हाई बीम को ऑन करेंगे तो सामने रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ियों के ऊपर आप यहाँ पर चेक करोगे लाइट कितना जोर पड़ रहा है, वही देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब सामने लाइट नहीं होगी तो रिस्पॉन्स कितना दूर तक का जो है वो अपना जाने वाला है। तो ये हो गई बात अपनी कंप्लीट लाइटिंग सेटअप की, और हाई बीम वगैरह मैंने आपको चेक करवा दी है। हाई बीम लो बीम प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को इसके साथ मिल जाता है।
230 वॉट की एलईडी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपना ग्लॉसी किट का जो अपडेट है वो भी किया गया है, जिसमें आप इसका हेडर वाला पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, कंप्लीट ग्लॉसी हो चुका है। एक अपनी हिमालयन लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि अपनी चार पीसेस के अंदर आती है। चार पीस कहाँ कहाँ रहेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रिल के लोअर वाले पार्ट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है इस वाली कार में, जिसमें आपको फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ग्रिल को भी अपडेट किया जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर चेक करेंगे, जीप कंपस वाली जो अपनी ग्रिल आती है सेम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और सामने से लुक आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। फॉग लाइट जो है इस मॉडल के अंदर पहले से ही आती है, कॉर्निंग फीचर के साथ आती है वो भी। तो इसके अंदर अपना जो है यहाँ पर आप चेक करोगे, क्रोम इंसर्ट जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये भी एज एन एक्सेसरी यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। साइड वाले पोर्शन से अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं, सबसे पहले ग्लॉसी किट को ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो अपने हेडर वाला पार्ट मैंने आप लोगों को चेक करवा दिया है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो हो चुका है। यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो आप चेक कर सकते हैं, रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर है। और टेल लाइट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेल लाइट पे क्रोम इंसर्ट जो है वो अपना लगाया गया है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे अपनी जो रूफ रेल है उसका काम जो है वो भी कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ रहने वाली है। कॉस्टिंग वगैरह की अगर हम बात करें, 1500 रुपये की अपनी रूफ रेल जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा दो ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि अपना कॉस्ट करता है 2000 रुपीज़ का। साइड में कैमराज लगाए गए हैं, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोअर गार्निश का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि अपनी 6 पीसेज में रहने वाली है। यहाँ तक का जो एरिया है वो अपना कवर करती है, चार पीस इस तरफ, चार पीस आपको उस तरफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी साइड बीडिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि फुल क्रोम में अपना रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये अपना पेस्टिंग वाला पार्ट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये बात हो गई कंप्लीट अपने जो है वो साइड पोर्शन की। अब आपको एक बार रियर पार्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले रियर में लगाया गया है अपना यहाँ पे रियर का स्पॉइलर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, जिस तरीके की रूफ की टेपिंग करी गई है। और इसमें आपको लाइट का जो है वो भी इस्तेमाल देखने को मिल जाने वाला है, टेल लाइट से प्रॉपर जो है सिंक रहने वाला है। जैसे लाइट आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर भी लाइट जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जैसे ही आप ब्रेक हटाएंगे तो लाइट जो है वो अपना बंद हो जाती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वाला काम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना मैट्रिक्स में रहेंगे। इसके अंदर आपको जो है इंडिकेटर का फीचर मिल जाता है, जो कि अभी आप चेक कर रहे हैं, इंडिकेटर पुट किया हुआ है, इंडिकेटर पर ये ब्लिंक करेंगे। नॉर्मल मोड पर ही अपना सिंपल जो है वो रुके रहते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको ब्रेक का फीचर मिल जाता है और स्कैनिंग मोड मिल जाता है, तीन चार मोड जो है वो अपने आते हैं। रियर व्यू कैमरा जो है वो आप चेक करोगे, कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सेम है जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट OEM आता है, वहीं पर ही रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। इस मॉडल के अंदर भी कैमरा आता है, बट वो 360 वाला नहीं होता, तो उसको निकाल करके ये वाला कैमरा जो है वो लगाया गया है, क्योंकि इसमें 360 कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। और एक और अपनी चीज़ है, यहाँ पर अपनी जो डिगी पत्ती है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपना प्लेन साइज में रहने वाली है। रियर गार्ड जो है वो पहले से लगा हुआ था, तो इसके अंदर हमने अपडेट नहीं किया, ये पहले का ही इंस्टॉल है इस वाली कार के अंदर। मूव करते हैं आप कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे, अपना अकम्प्लिश वेरिएंट रहने वाला है डीजल पैक के साथ। इसमें आपको फ्रंट में पटल लाइट नहीं मिलती, यहाँ पे पटल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। और देख सकते हो कितना अच्छा लाइट का जो आउटपुट है वो आपको मिल जाने वाला है। ड्राइवर साइड में भी आती है, को ड्राइवर साइड में भी आती है, दोनों साइड में लगाई गई है। इसके अलावा बूट के अंदर लाइट लगती है, तो वहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक करोगे, इसके अंदर भी लाइट आती है, तो इसके अंदर भी अपडेट हमने नहीं किया है। बाकी दोस्तों अंदर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, डुअल टोन फिनिश के साथ जो अपने सीट कवर से वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और ये अपने लेमिनेशन वाले जो सीट कवर हैं वो इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। नॉर्मल सीट कवर भी आते हैं, 3500 के भी आते हैं, 5500 के भी आते हैं, 6500 वाले भी आते हैं। ये अपने सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाला जो सीट कवर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर आप चाबी वगैरह मारोगे तो भी इस पर निशान नहीं आएगा, ये वाली क्वालिटी जो है यहाँ पर इंस्टॉल करी हुई है। और लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोर पे फ्लोरिंग जो है भैया ने पहले से ही करवा रखी थी, यहाँ पे हमारा अपडेट नहीं है। हमने पंच की फ्लोर वेलकम प्लेट है वो इंस्टॉल करी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब अंदर से बात करें क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। सबसे पहला अपडेट जो है वो अपना रहेगा स्टीरियो का, डायमंड 2K वाला जो अपना स्टीरियो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो कैनवस के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। तो जोन सा भी दरवाज़ा आप खोलते हैं, लाइक मैं अपना जो ड्राइवर साइड वाला डोर है उसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे आपको वार्निंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि कोई भी गेट ओपन होगा तो आपको डायरेक्टली वार्निंग जो है इसके अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाने वाली है। अब डायमंड 2K है, इसमें आपको दो साइज़ मिल जाते हैं, एक आता है अपना 11.8 इंच के साथ, एक आता है अपना 10.1 इंच के साथ में। ये अपना जो है 11.8 इंच वाला जो स्टूडियो है वो जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। पंच के लिए प्रॉपर किस तरीके का
फ्रेम रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेमिंग के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर किया जा चुका है। और अगर आप थोड़ा दूर से देखते हो कैसा व्यू आता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है इस स्टीरियो का। टच के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, टच का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। कोई भी लैग वगैरह जो है वो आप इसके अंदर फील नहीं करेंगे। 11.8 इंच का जो साइज़ है वो रहने वाला है। डायमंड 2 के क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपरली डायल्स मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर चेक करोगे नोब के शक्ल में आपको दिए गए हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम को प्लस कर सकते हैं, माइनस करते हैं, डायल में आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ट्रैक का चेंज करने का जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कैसा कुछ इंटरफेस आता है वो आप यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले बार है वो चेक कर सकते हो। इसमें आपको सारी एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, डिज्नी प्लस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आगे अपना गूगल है, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाएगा, प्राइम वीडियो है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपना यूट्यूब है, प्ले स्टोर आपको मिल जाने वाला है। सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 360 कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का आउटपुट कैसा कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो अभी जो है वो अपना फ्रंट व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे अपना साइड व्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये राइट साइड का व्यू है, टैप करूंगा मैं, ये लेफ्ट साइड का व्यू है और ये अपना रियर का व्यू जो है वो देखने को आपको मिल जाता है। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है राइट व्यू लेफ्ट व्यू जो है वो ले सकते हैं। दोनों साइडों में अगर आपको मर्ज करके देखना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ्रंट में अगर आपने एक ओवरव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं। रियर का ओवरव्यू देखना है वो आप देख सकते हैं। दोनों साइडों का ओवरव्यू देखना है वो आप देख सकते हैं। फ्रंट का वाइड एंगल व्यू देखना है तो आप देख सकते हैं। रियर का वाइड एंगल व्यू देखना है वो आप देख सकते हैं। और 3D मोड के अंदर आप इसके अंदर सराउंड चेक जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं इस 360 किट के अंदर। और ये प्रॉपर जो है वो आप यहाँ पर चेक करोगे, कैलिब्रेशन वगैरह काम कंप्लीट हो चुका है, व्यू किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने स्टूडियो की। बाकी आप चेक करोगे कुछ अलग चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, लाइक जो अपने AC वेंट्स हैं इसके अंदर जो ब्लोअर आता है उसके अंदर भी आपको जो है लाइट देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मल्टीपल कलर के साथ आती है, इसको भी आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी डोर हैंडल जो है चारों के चारों चारों दरवाजों के अंदर, इन पर भी जो है वो आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके की कंप्लीट जो है वो अपना रहने वाली है। तो यहाँ से जो है वो आपको और भी कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी कलर जो है वो चेंज कर रहा है कुछ तरीके से, ये प्रॉपर अपना रहने वाला है। तो काफ़ी जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो उनको रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट किया है। और ये शायद से हमने सेकंड टाइम जो है वो लगाया है किसी पंच के अंदर, तो अगर आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो, इसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल मिल जाएगा। ऊपर का बल्ब जो है वो आपको हैलोजन मिलता है, इसको भी रिप्लेस करके LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार में किया गया है। तो ये सब अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। अब एक बार मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कैसा उनका फीडबैक रहता है। दोस्तों कार की सभी चीज़ मैंने आप लोगों को चेकआउट करवा दी है, मिलते हैं बार कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। सुब्रत सन्याल। और भाई आपका नाम? कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बिहार पटना। बिहार पटना से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? YouTube से पता चला था। ठीक है जी। और यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा आपके वहाँ का? 1100 किलोमीटर। मतलब कि आना जाना है? मतलब पटना से 1100 है और पटना से और मेरा जो घर है ना वो थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ता है, तो 1150 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, मतलब आना जाना जो है 2300 किलोमीटर का जो है वो अपना सफर टोटल रहने वाला है। तो दिल्ली आप पर्टिकुलर इसी काम के लिए आए थे या कोई और वजह थी? जैसे आना तो था इसी काम से। ठीक है, मैं आया था लखनऊ, तो वहाँ से मैं सोचा कि जब इतना दूर आ चुका हूँ तो चलो यार काम करवा लेते हैं। तो मैं लखनऊ में आधा एक घंटे का काम था तो मैंने ख़त्म किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ भी आना जो है आपकी प्रायोरिटी बेसिकली थी। इससे पहले मेरा राजन भाई से बात हुआ था। हाँ जी। मैंने सोचा था कि मेरे को काम करवाना है, तो मैं सोचा चलो जब आ गए हैं तो काम करवा ही लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने टाइम से आप हमें फॉलो कर रहे होगे ऐसा आपको? मैं लगता है कि 2-3 महीने से। दो तीन महीने से कंटिन्यूस ऐसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा हूँ। हाँ जी। मैं जैसे क्या था कि 2022 में मैं अपनी गाड़ी लिया था, तो उस टाइम से मैं मॉडिफिकेशन के लिए वीडियो देख रहा था। करोल बाग के बहुत सारे यूट्यूबर थे, उसमें नया नया टाटा पंच लॉन्च हुआ था, तो सब लोग वीडियो डाल रहे थे, मैं उस टाइम से देख रहा था। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना मुझे राजन भाई का लगा था। और एक तो प्राइस जो है मतलब इतना है कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि पैसा बढ़ा के बोल दिया तो पहले कस्टमर घबरा जाता है कि अरे भाई ये है वो है, लेकिन वो राजन भाई के जो बात में ना वो सब चीज़ें नहीं है कि बढ़ा के बोल दिए फिर बाद में घटा दिए, नहीं वो चीज़ नहीं है। आप आओगे ना, मैं तो पहले तो 1 लाख का टारगेट था मेरा, लेकिन उतना में नहीं, बहुत कम में ही हो गया। ठीक है, तो मतलब कहा जाए कि आप जो है जिस तरीके से YouTube वगैरह पे आपको बताया जाता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर आने के बाद वैसे ही मिल जाती हैं। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई फेक वेक वाला कुछ नहीं, फेक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि सारा टीम का तो एफर्ट था ही,
उसमें से दो तीन बंदे ऐसे थे ना बेचारे, नाम मेरे को नहीं पता, एक बंदे का नाम मालूम है आज़ाद भाई, जो सिस्टम लगा रहे थे, जो इतना मतलब उनको देख रहा हूँ कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे। और एक होता है ना बंदा कि काम कर रहा है, अगर उसको मैंने दो तीन बार बोला कि भाई ये काम नहीं चाहिए, गलत है, ये वाला कर दो, तो इरिटेट हो जाता है। वो चीज़ नहीं था किसी टीम में, मतलब जो आपने बोला उस चीज़ को जो है वहाँ पे कर दिया गया है, मतलब सारा टीम मेंबर ने अच्छे से कोऑपरेट किया। ठीक है भाई जी, जानते हैं भाई आप बताइए काम वगैरह आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यही बोल रहा हूँ। मेरे पास भी हुंडई ऑरा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर मंथ के आसपास मैं खुद अपना घर भी लेके आने के लिए सोच रहा हूँ। मतलब कि काम से जो है वो आप लोग सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बहुत सेटिस्फाइड है। 10 में से नंबर देना हो तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10, फुल्ली 10। भाई आप बताइए, कंप्लीट नंबर जो है वो अपना रहने वाला है। मतलब कि पटना से यहाँ तक आना एक लंबा डिस्टेंस है बेसिकली, तो ये वर्थ हो जाता है यहाँ तक आना? ये तो पटना से आ रहा है, मैं कोलकाता से आऊँगा अपना गाड़ी लेकर। ठीक, एक स्टेट और आगे हो जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब ओवरऑल आप यहाँ से सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। अगर सर बजट वगैरह की बात करें, क्या बजट रख गया आपने कार के अंदर? मैं राजन भाई बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुई है। हाँ जी, और जितना जो बजट बना था ना उससे उससे क्या है ना कि और भी और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला था। ठीक है, तो आप नंबर से बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है? मतलब 60,000 के नीचे, अंडर 60,000 जो है ये आपका काम सारा कुछ रहने वाला है। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि जो भी आपने प्राइस पे किया वो एक्स्ट्रा पे कर दिया या फिर वर्थ नहीं था? बिल्कुल नहीं, सब कुछ वर्थफुल काम है। सबसे सबसे अच्छी बात रही कि राजन भाई का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव स्टाफ जो आपको मिल जाता है। एक होता नहीं इरिटेट हो जाता है, अरे यार जाओ ना क्या, वैसा कुछ नहीं, बार बार परेशान कर रहे हो टाइम, वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ सेटिस्फाइड हैं। कल को किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड आप करना चाहेंगे? अगर कोई भी बंदा अगर देखता है मेरा गाड़ी को बिहार से या पटना लेके जाता हूँ या पुनपुन लेके जाता हूँ, अगर कोई पूछता है तो सीधे बोलूँगा कि भाई पटना में करवाओगे पैसा ज़्यादा लेगा। मैं खुल के बता दूँ पटना में पैसा ज़्यादा लेता है। और अगर आपने वीडियो में आपने बताया है या नहीं, मैं सीट कवर कोई और लगाया हुआ था एंड उसको हटवा के दूसरा सीट कवर लगवाया हूँ। मतलब पहले आप पटना से सीट कवर लगवा के लेकर आए थे? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस सीट कवर का 4200 रुपया पे किया हूँ, जिसमें कोई मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छी है वैसा नहीं है। और मेरे को यहाँ पे सीट कवर 5500 रुपये का पड़ा है, ठीक है, और इतना अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता। आप वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा, मतलब वो क्वालिटी डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ा। बहुत अच्छी क्वालिटी। ठीक है सर, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप इतना दूर से ट्रस्ट करके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।